देखते हैं क्या कुछ काम की खबरें। काम की खबरों में राजस्थान सरकार ने राज्य की सरकारी स्कूलों की जमीन पर अतिक्रमण हटाए जाने का किया है फैसला। संस्था प्रधानों से मांगी है जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के दौरे पर आएंगे। बीकानेर और उदयपुर में भाजपा की संभाग स्तरीय बैठकों को करेंगे संबोधित। जैन संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज 3 दिन के संलेखन के बाद शनिवार आधी रात बाद 2:35 पर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में भ्रमलीन हो गए। 77 वर्ष की आयु थी आचार्य की। देशभर में शोक की लहर। अलवर जिले के किशनगढ़ बास में रूंद गिदावड़ा गांव में गौकशी के सबूत मिले हैं। 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, बाकी का थाना लाइन हाजिर हुआ है। अलवर और जोधपुर में एनसीसी सी सर्टिफिकेट परीक्षा का पेपर लीक होने से हड़कंप मचा। परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पेपर, परीक्षा रद्द। गबन का मामला दर्ज कराने वाले सीकर जिले के थोई क्षेत्र के चिपलाटा गांव के ग्राम विकास अधिकारी ललित कुमार रैगर ने की आत्महत्या। 9 पेज के सुसाइड नोट में विकास अधिकारी, सरपंच और ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। बोले, मुसलमान अब सच्चे रहनुमा की तलाश में। अपने चैंबर में एक रेप पीड़ित महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपों से घिरे त्रिपुरा के एक न्यायाधीश के मामले की जांच शुरू। तकनीकी खराबी के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान के आधे घंटे के बाद विमान लौट आया मुंबई। इसमें सवार यात्रियों में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और श्रद्धा दास भी शामिल थी। आयकर विभाग ने तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले के चिक्कनकुप्पम में एक बीड़ी मजदूर की बेटी को थमाया। 5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए टैक्स चुकाने का नोटिस। विमान की एयरपोर्ट पर लैंडिंग के आधे घंटे के बाद तक बैगेज यात्रियों को नहीं मिला तो होगी कार्रवाई। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने 7 एयरलाइंस को दिए जारी किए दिशा निर्देश। असम से सटे अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में कोयला खदान में काम करने वाले 10 मजदूरों का उग्रवादियों ने किया अपहरण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सुदूर नाकोंडम द्वीप पर भोजन पानी के अभाव में 6 शिकारियों की मौत। संदिग्ध हालात में पाए गए शव। बीकानेर में अनूठा पुष्करना सावा। देश दुनिया से जुटे 250 से भी ज्यादा जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। नंगे पांव पहुंचे दूल्हे, न बैंड बाजा न घोड़े हाथी, जुटे सिर्फ बाराती और घराती। बेटियों ने रच डाला इतिहास। भारत ने पहली बार जीती महिला बैडमिंटन की एशिया चैंपियनशिप। ओलंपियन पीवी सिंधु की अगुवाई में शानदार प्रदर्शन। भारत ने इंग्लैंड पर दर्ज की सबसे बड़ी जीत। तीसरे टेस्ट मैच में राजकोट में 434 रन के विशाल अंतर से हराया। अब सीरीज में भारत 2-1 से आगे। यशस्वी जायसवाल ने नाबाद दोहरा शतक लगाया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन कल से भरे जाएंगे। अंतिम तारीख 20 मार्च रात 12 बजे तक। राजस्थान लोक सेवा आयोग पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 के 10वें चरण के इंटरव्यू 29 फरवरी को लेगा।